नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सरकार जनता द्वारा जमा करवाई गई धनराशि का उपयोग निर्माण कार्यों में करवाती है। सड़कें भी बनती हैं, बिल्डिंग भी बनती है, फिर सड़कें उखड़ जाती हैं और बिल्डिंग भी उखड़ने लगती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? यह इसलिए होता है क्योंकि ठेकेदार अधिकारियों से हाथ मिला लेते हैं। जब भ्रष्टाचार का साया निर्माण कार्यों पर पड़ता है, तब आप जानते ही हैं कि निर्माण कार्यों का हशर क्या होता है। चाहे वो तरावड़ी का रेलवे ओवरब्रिज हो, या करनाल सेक्टर 12 स्थित नगर निगम का कार्यालय, या फिर करनाल की बनाई गई सड़कें, यह सब यदा कदा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती ही जा रही हैं। अब हम आपको करनाल का नया कारनामा बता रहे हैं, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने अंजाम दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग भी भ्रष्टाचार के हमाम में नंगा हो रहा है। दरअसल आरटीए कार्यालय के सामने फर्श बिछाया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बड़ी बात यह है कि फर्श में भी घोटाला किया जा रहा है। दरअसल अधिकारियों की ईमानदारी का लेवल इतना गिर गया है कि वह कोई मौका चुकाने से बाज नहीं आ रहे हैं, बस उनके जेब में पैसा जाना चाहिए। ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, ये आरटीए कार्यालय के सामने बिछाए जा रहे फर्श की है। दरअसल सरकार ने ठेकेदार को निर्माण कार्यों का जो टेंडर दिया था, उसके मुताबिक ना तो सीमेंट लग रहा है और ना ही सरिया। अब हम आपको लेके चलते हैं आरटीए कार्यालय में, जहां हमारे संवाददाता मनोज राणा ने खुद जाकर निर्माण कार्यों की छानबीन की। पहले आप देखिए और सुनिए कि जब समाचार एक्सप्रेस की टीम कार्यालय में पहुंची तो कैसे अधिकारी मुंह छिपाते नजर आए। यहां तेल लेने आए हो क्या? बताइए भाई साहब। हाँ मुकेश, बता भाई। मुंह छिपाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये सीमेंट क्यों लग रहा है जो टेंडर में ही नहीं है, जो स्टील नहीं है वो क्यों लग रहा है? भाई साहब प्लीज हो गया। देखा कि अधिकारी कैसे मुंह छिपा रहे हैं। इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के जय रविंदर से बात की तो उन्होंने कहा कि वो 10 मिनट में कार्यालय में पहुंच रहे हैं, लेकिन आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जय वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपना फोन ही बंद कर दिया। इस मामले में हमने एक्शन राजकुमार से भी बात, उन्होंने यह कहकर चौंका दिया कि यह मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सोमवार को वह मौके पर जाएंगे और जांच करेंगे कि सरिया और सीमेंट दूसरा क्यों लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि टेंडर के मुताबिक इस निर्माण में 43 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन यहां पीपीसी सीमेंट राठी का सरिया इस्तेमाल हो रहा है। अकेले सीमेंट में ही 100 रुपये का प्रति बैग का फर्क नजर आ रहा है, और यदि सरिया निम्न स्तर का होगा कि आप स्वयं ही जानते हैं कि कितना फर्क होगा। आप स्वयं तस्वीरों में देखिए कि निर्माण कार्यों में घटिया स्तर के सीमेंट के बैग इस्तेमाल हो रहे हैं और मजदूर काम कर रहे हैं। बहरहाल पीडब्ल्यूडी विभाग का यह निर्माण कार्य सीधे सीधे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अब केवल पता यह लगाना है कि भ्रष्टाचार के खेल में किस किस अधिकारी का कितना कितना हिस्सा है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।